सरसों का चटनी, धनिया का चटनी, पोर्क ड्राई फ्राई, आई थिंक दिस इज काजू बर्फी. बुड्ढा जैसा लग रहा है, चाइनीज बुड्ढा. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? फुल्ली कोरोना प्रोटेक्टेड. मेरा होल डे ईटिंग होने वाला है एंड सबसे पहला मील हम शुरू करने वाला है ब्रेकफास्ट से. लेट्स स्टार्ट द डे. अभी हम ढाबा में आ गए और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है मूली सब्जी. पहले तो बहुत एक्साइटेड था गाइस, लेकिन सब्जी ठंडा था, पूरी भी ठंडा था और बोला कि दोनों में से एक ही गर्म कर सकता है. उसके बाद सब्जी में मिला हमको न्यूज़पेपर, तो बस हम चला गया दूसरा होटल. चाय आ गया है, ये मेरा चाय और ये आ गया है फिर से सब्जी और पूरी, क्योंकि वो वाला पूरी का सब्जी में न्यूज़पेपर मिला हमको. कच्चा मिर्चा मिलेगा. ओई 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 ओई, हाँ ला, मेरा सेल्फी स्टिक भी टूटने वाला है. गाइस हम कहाँ आ गया देखो, चाय बगान. फिर से गाइस इतना सारा चाय का पत्तियां देख के आपको क्या लग रहा है? अभी हम पासीघाट में नहीं, अभी हम आ गया है टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़ में. देखो चारों तरफ चाय बगान ही चाय बगान है और यहाँ में क्या बोलते हैं इसको, सा बगान ही सा बगान है. यहाँ अपना डिब्रूगढ़ का चाय बाहर एक्सपोर्ट होता है, इंडिया का बाहर. तो अभी यहाँ पे दूर दूर तक पूरा चाय फैला हुआ है अभी, लेकिन कोई है नहीं इधर, खाली है, सिर्फ हम ही है इधर. ओ माय गॉड, देखो हमको दिखाई दिया है फर्स्ट टाइम चाय का फूल. हाँ एक फन फैक्ट याद आया, ये जो डार्क ग्रीन वाला पत्ता है उसको नहीं तोड़ता है, क्योंकि ये जस्ट प्लांट को जिंदा रखने के लिए है. और बाकी सब आप जो देख रहे हैं ये एकदम डेलिकेट लीव्स निकला है ग्रीन ग्रीन, इसको तोड़ता है, इससे बनता है रियल चाय पत्ती. ब्रिटिशर्स ने ही एक्चुअली शुरू किया था टी प्लांटेशन, तो उन लोगों ने क्या किया कि औरत लोग का हाथ डेलिकेट होता है, इसीलिए उन लोग तब उस जमाने से लेडीज है उन लोग को सौंपा गया ये काम, क्योंकि उन लोग अगर पत्ता तोड़ेगा तो बहुत ही डेलिकेटली, देखिए फॉर एग्जाम्पल ना इसको पुचुंग करके तोड़ेगा, लेकिन अगर आप मर्द लोग को ये काम देगा तो उन लोग क्या करेगा, आए पत्ता तोड़ो कचर कचर कचर, तो ऐसे होने से चाय मतलब कि बर्बाद हो जाएगा, उसका वो टेस्ट बरकरार नहीं होगा. तो इसीलिए ये काम सिर्फ और सिर्फ लेडीज करती हैं. साय बगान देख लिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारा फन फैक्ट भी आपको पता चला. अभी हम लोग चलते हैं बोगीविल की तरफ. तो फाइनली वी हैव रीच्ड बोगीविल ब्रिज. ये ब्रिज का लेंथ, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, मतलब कि इस ब्रिज के नीचे रेल जाने का भी रास्ता है. गाइस जो हमारे पासीघाट में जो रानीघाट का ब्रिज है वहाँ में गाड़ी जाने से ना बहुत मूवमेंट होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल भी. अभी कुछ भी नहीं हुआ. फाइटर जेट प्लेन भी यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है, इतना लोड उठा सकता है ये ब्रिज. अभी हम लोग जाएगा लंच करने. ऑन द वे बैक टू डिब्रूगढ़ एक ऐसा स्टेचू मिला है, यू हैव टू सी दिस. देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मूर्ति बना हुआ है, ये है राजा शाओलुंग सुकाफा. आसाम का नाम आसाम क्यों पड़ा? बिकॉज द अहोम पीपल वेर रूलिंग असम एट दैट टाइम. एंड ये जो राजा थे ही वॉज द फाउंडर ऑफ अहोम डायनेस्टी. बहुत भूख लग गया, चलो नेक्स्ट स्टेप पक्का खाना है, अभी खाना ही खाना पड़ेगा. ओ ये तो मछली है, देखो देखा खाने की जगह में आ गया है. एंड आई एम इन मूंगफी रेस्टोरेंट. तो ये मूंगफी रेस्टोरेंट मैंने सुना है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सबसे पॉपुलर हैंगआउट प्लेस है ना, जो भी मेडिकल कॉलेज या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जो भी स्टडी कर रहे हैं तो सब लोग यहाँ पे हैंगआउट करते हैं.
एंड यहाँ पे एवरीथिंग इज अलाउड गाइस, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी. और अभी मेन्यू डिसाइड करते हैं. चलो आई थिंक यहाँ पे आइसक्रीम भी है, तो खाना खाने के बाद आइसक्रीम भी खा लेंगे. आई थिंक आई हैव असामिस वेज थाली और यहाँ से हम लेने वाला है पोर्क ड्राई फ्राई हाफ. पोर्क ड्राई फ्राई हाफ एक कर दीजिए. ये मिक्स वेज है, आलू पेटिका, बैगन भाजी, सरसों का चटनी, धनिया का चटनी, ये भी दाल पापड़, पोर्क ड्राई फ्राई, बैगन भाजा. इनफ नहीं होगा लगता है, और मंगाना पड़ेगा. सो यम्मी. लास्ट पीस ऑफ पोर्क बचा है, उसमें हम नींबू का जूस डालेगा. वाओ. ओह इतना सुंदर है ये, ऐसा कोई बुड्ढा जैसा लग रहा है, चाइनीज बुड्ढा. वाओ मुख जैसे. ओह मुंह नीचे में. वाओ बहुत सुंदर है, इसका पेट में बच्चा है शायद. बाय बाय बाय. सो गाइस डिनर के लिए मैं गई एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था डेस्टिनेशन, एंड इतना क्यूट प्लेस है गाइस. डिब्रूगढ़ में भी ठंडा है, अभी हम डिनर करने आ गया है. बहुत ही क्यूट प्लेस है और जो स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडली है, और अगर आपको व्लॉगिंग करना है, फोटोशूट करना है, तो ये जगह परफेक्ट है. नॉर्मल है, चिल द्वारा. अपना नाम जान सकता है? ठीक है, तो अभी के लिए उतना, उसके बाद में ऑर्डर करना. ठीक है. आज ज़्यादा हो गया गाइस, आई नो सुबह से लेके शाम तक खाना, लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि इस व्लॉग के बाद से मेरा पक्का वाला डाइटिंग शुरू हो रहा है. और अगर मुझे कुछ बनाना भी है तो हम बनाएगा, लेकिन हम खुद नहीं खाएगा, हम किसी और को खिलाएगा. मैंने ट्राई किया नाचोस जो बहुत ही यमी था, चीज़ी था, एंड बिरयानी और चिकन नगमा बोल के एक आइटम था, वो भी बहुत क्रीमी था. डेली ऐसा आइटम्स नहीं खा सकेगा क्योंकि बहुत ही हैवी होता है, लेकिन कभी कभी हाँ खा सकते हैं, कभी कभी. सो जैसे हम खाना खा रहा था, जो वेटर है वो भी साइड में खड़ा होकर हमको देख रहा था, इसलिए बहुत शर्म आ रहा था हमको. एंड ओवरऑल इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, और खाना बहुत ही यमी था, एंड एक बार तो आप आकर ट्राई कर ही सकते हैं. एंड या इट्स अ बिट ऑन द प्राइसियर साइड, जैसे कि चिकन का कोई भी डिश हो वो 350 से स्टार्ट होता है. आप खाना खाने के बाद अपना रिव्यू दे सकते हैं. एंड या दिस इज़ द फिनाले, आपका बिल आएगा लिटरली एक बम के अंदर. डिब्रूगढ़ में व्लॉग करके पता चला गाइस कि अलग जगह जाकर व्लॉग करना इतना इंटरेस्टिंग होता है. अगर फ्यूचर में मौका मिला और ट्रैवल करने का तो ज़रूर ट्रैवल करेगा. ये रेस्टोरेंट से बचा हुआ इसको हम, अब बहुत सारा कुत्ता है इधर, तो किसको देगा नंगे कुचू. आई थिंक मत करो, खाओ 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 आया ना. डिनर करने के बाद इतना क्यूट प्लेस डिस्कवर किया है, हम सोचा नहीं था कि डिब्रूगढ़ में इतना क्यूट सा प्लेस होगा, लेकिन गाइस अगर डिब्रूगढ़ आएगा तो इधर जरूर आना. इसका नाम क्या है, वाफल्स है क्या. एवरीथिंग हियर इज पिंक, और कोइंसिडेंटली मेरा आउटफिट भी आज पिंक ही है. तो This is the menu भी इतना प्यारा है, जगह भी इतना प्यारा है, कहाँ यहाँ तो इधर ही सॉरी लगा. बबल वाला वाफल ऑर्डर किया, उसको खाकर देखते हैं विद चॉकलेट, बिकॉज आई लव चॉकलेट. और गाइस वो रेस्टोरेंट में जो हम लोग अभी जहाँ पे डिनर किया था, वहाँ का जो वेटर था इतना स्वीट, बहुत अच्छा था. दिस इज माई ऑर्डर. वाओ यम्मी.
क्रीम इसके अंदर। तो ये था मेरा डिब्रूगढ़ का ब्लॉग एंड आई डोंट थिंक कि आई विल बी ट्रैवलिंग एनी मोर, क्योंकि अभी साल का शुरुआत हो गया है और बहुत सारा काम पेंडिंग होकर हम इधर आया है, तो अभी वो सब काम का शुरुआत करना है, तो अभी सब घर का ही ब्लॉग देखने मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट इन द वीडियो, यू गाइज नो कि आपका कॉमेंट हमको पढ़ने के लिए कितना अच्छा लगता है। एंड हाँ गाइज, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से जल्दी, अभी नहीं किए तो अब भी सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वैसे हमको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू गाइज, गुड नाइट, बाय। ये एक बोनस वीडियो है उन लोगों के लिए जो हमेशा एंड तक मेरा वीडियो देखते हैं। सो मैं KFC गई थी और दूसरा रेस्टोरेंट भी गई थी, लेकिन पूरा दिखाया नहीं, तो आपको दिखाती हूँ। देखो, KFC में मैंने खाया था रिजो राइस जो कि मेरा फेवरेट है, एंड फ्रेंच फ्राइज, ऑब्वियसली पेप्सी, तो वहाँ पे मैंने खाया उसके बाद। लेकिन डिब्रूगढ़ का KFC जो छोटा है, हाँ गाइस, उसके बाद हम गया डिनर करने थाई एथनिक किचन में, तो वहाँ पे आपको एथनिक खाना मिलेगा, जैसे कि पोर्क बैम्बू शूट वाला ना, और ये था पोर्क विथ सेसमी सीड तिल गहोरी, इतना हैवी लेकिन बहुत ही टेस्टी। और साथ में मैंने लिया था चिकन विथ बैम्बू शूट और उसमें था अदरक ये सब। एंड गाइज, हमारा इंस्टाग्राम फैमिली भी 1000 फॉलोअर्स पहुंचने वाला है, तो अभी तक फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा आईडी है पू व्लॉग्स, उस पर जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय गाइज, हैव अ नाइस डे।